इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। चीन ने भारत से आग्रह किया है कि 1890 के यूके चाइना समझौते का पालन किया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि सिक्किम और तिब्बत को अलग करने वाली सीमा का सीमांकन इस ऐतिहासिक संधि द्वारा किया जाना चाहिए। एक दिन पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहली बार नाथुला पोस्ट का दौरा किया था। कांग्रेस, सीपीआईएम तथा आम आदमी पार्टी ने एक न्यूज वेबसाइट के आरोपों की जांच की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि 2014 से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी के प्रमुख अमित शाह के बेटे जय शाह से जुड़ी एक कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। जय शाह 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत को तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उदाहरण के लिए जीएसटी को लागू करने से पैदा होने वाली कठिनाइयों के बावजूद सरकार द्वारा किए गए इस सुधार की पहल को जनता का समर्थन मिला। एयर स्टाफ के चीफ एयर चीफ मार्शल बीएस धनोहा ने कहा है कि भारतीय वायुसेना किसी भी समय जंग के लिए तैयार है। उन्होंने हाल ही में चल रही भू राजनीतिक टकराव के चलते छोटी और तेज जंग की संभावना की चेतावनी दी थी। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने केरला में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याओं के लिए सीपीआईएम सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी के विस्तार को रोकने और लोगों के बीच भय पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जेडीयू के विद्रोही नेता शरद यादव ने वर्तमान अर्थव्यवस्था की हालत और गाय जागरूकता की घटनाओं पर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए पार्टी के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया। खत्म हो चुके किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा कथित उल्लंघन के सिलसिले में अब बैंक अधिकारियों, निदेशकों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। फरार शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मल्टी एजेंसी जांच में तेजी आ गई है। श्रीनगर में कुछ विदेशी पर्यटकों को बचाया गया, जिन्हें चोटी कटवा मानकर भीड़ द्वारा धमकाया जा रहा था। पिछले एक महीने के दौरान घाटी में 2 दर्जन से भी अधिक जगहों पर चोटी काटने की रहस्यमय घटनाओं ने आम लोगों के नाक में दम कर रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खुला पत्र लिखकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने वाले एम्स आरडीए के अध्यक्ष हरजीत सिंह भट्टी ने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभिनेता संजय दत्त ने देश के असली नायकों भारतीय सेना से मुलाकात की। संजय इन दिनों राजस्थान में अपनी अगली फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। संजय ने सैनिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।